एक लंबे समय पहले एक छोटी सी गांव में मोहन कमला नामक एक पति पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम नवनीत था। मोहन कृषि करके आए हुए पैसों से घर चलाता था। कुछ साल बाद मोहन का तबियत खराब होने पर वो कोई भी काम नहीं कर पाता था और ऐसे उसके लिए अपने परिवार का खर्चा संभालना बहुत मुश्किल होता था और इस बात का मोहन को बहुत चिंता होती है। एक दिन नवनीत अपने पिता को चिंतित देखता है। पापा हमेशा चिंतित रहते हैं, आज मुझे उनके पास जाके पूछना ही होगा कि उन्हें कौन सा बात इतना चिंता दे रही है। पापा आप किस बारे में सोचकर इतना दुखी हो रहे हैं? नवनीत, इतने दिन मैं मेहनत करके पैसे कमाता था, इसीलिए हम कोई भी चिंता के बिना आराम से जीते थे, पर अब मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है बेटा, और इसके कारण मुझे चिंता है कि अब आगे घर कैसे चलाएंगे। पापा आपकी तबीयत तो वैसे ही खराब है, आप ये सब मत सोचिए, आप बस आराम कीजिए। मेरे पिताजी उनके तबीयत बिगड़ने पर भी घर के बारे में ही सोच रहे हैं, अब मुझे ही कुछ करना होगा और घर की जिम्मेदारी लेना होगा, ऐसे सोचता है। हाँ पापा ने मुझे थोड़े पैसे दिए थे ना, मैं पहले ये देखता हूँ कि कितने पैसे हैं मेरे पास और फिर सोचता हूँ कि उससे कौन सा व्यापार कर सकता हूँ। ऐसे सोचकर वो जाके देखता है कि उसके पास कितने पैसे हैं। अरे मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए हैं, इनके साथ मैं कौन सा व्यापार शुरू कर सकता हूँ। उन 10 रुपयों के साथ वो बाजार जाता है और वहाँ सारे दुकानों को देखता है। एक दुकान में नींबूओं को बिकते देखता है। मेरे पास के पैसों के साथ नींबू के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं नींबू ही खरीद के बेचूंगा, ऐसे सोच के नींबू के दुकान को जाता है। नींबू कितने के है भैया? 1 रुपए का एक नींबू। ठीक है मुझे 10 रुपए के नींबू दे दो। ठीक है, और दुकानदार उसे 10 नींबू देता है। नवनीत उन नींबूओं को बेचना शुरू कर देता है। नींबू नींबू ताजा ताजा नींबू, आखिरी 10 नींबू ले लो जी ले लो। एक नींबू का कितना होगा? 2 रुपए का एक नींबू। इतना दाम क्यों? बगल वाले दुकान में 1 रुपए का एक नींबू दे रहे हैं ना, बिक नहीं जाने पर ऐसे कम दाम पे ही बेचते हैं भाई साहब, ये सारे तो एकदम ताजा है। ठीक है ठीक है, तुम्हारे पास के नींबू दे दो। ऐसे नींबू बेच के उससे आए हुए पैसों से वापस और नींबू को खरीदता है और दिन पूरा मेहनत करके कमाए हुए पैसों को लेकर खुशी खुशी घर जाता है। पापा आप अब से घर की जिम्मेदारी का चिंता ना ले, और उन्हें सब कुछ कहता है। नवनीत तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा, दृढ़ निश्चय से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ऐसे हर रोज नवनीत नींबूओं को खरीद के बेचता था। कुछ दिन बाद कम लोग उसके पास नींबू खरीदने लगे, जिसकी वजह से उसके पास नींबू बचने लगे और इसीलिए वो दुकानदार के पास कम नींबू खरीदता था, ताकि बचे हुए नींबूओं के साथ उन्हें अगले दिन बेच सके। एक दिन ऐसे ही नींबू खरीदने जाता है। एक नींबू का गुच्छा दीजिए भाई साहब। व्यापार की शुरुआत में ज्यादा नींबू खरीदते थे, कुछ दिनों से कम हो गया है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा नींबूओं का बिकना शायद कम होते जा रहा है ना? कम से कम कुछ दिनों तक चला पाओगे ना? नवनीत बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। उन्होंने ये पूछा कि क्या मैं कम से कम कुछ दिन व्यापार चला पाऊंगा, मुझे अब उन्हीं के पास से नींबू खरीद के उनके सामने ही व्यापार को आगे बढ़ाना होगा, और ऐसे सोचकर अपने नींबू बेचता है। उस दिन के नींबू बेचकर घर जाते वक्त रास्ते में देखता है कि एक दुकान में बहुत भीड़ है। पास जाके देखने पर पता चलता है कि वो एक जूस का दुकान है।
अगर मैं भी इन नींबुओं का रस बना के कम दाम पे बेचूंगा तो मेरे ही पास सब लोग आएंगे खरीदने। उसके सोच के अनुसार वो अगले दिन से खरीदे हुए नींबुओं में आधे नींबू को रस बनाकर और बाकी नींबुओं को ऐसे ही बेचने लगा। नींबू का सिर्फ 5 रुपए, ले लो भाई साहब ले लो, ऐसे जोर से चिल्लाता है। बहुत कम दाम पे नींबू का रस बेचने के कारण उसके पास बहुत लोग आकर पीते हैं और नींबू भी सारे उसके पास खत्म हो जाते थे। दुकानदार के पास ज्यादा नींबू को खरीदने लगा और उन सारों को बेच देता था और वैसे ही उसके व्यापार में भी अच्छा लाभ आने लगा। ऐसे उसने अपना खुद का दुकान शुरू किया और उसमें सहायकों को भी काम पे लगाया। एक दिन नींबू के दुकान को जाता है। आपके दुकान में सारे नींबू खरीदना है मुझे। एक समय था जब तुमने मेरे पास सिर्फ 10 नींबू खरीद के व्यापार शुरू किया था। अब तो तुम्हारा खुद का एक दुकान है। वाह, आपको याद है आपने एक बार मुझसे पूछा अगर मैं कुछ और दिन इस व्यापार को चला पाऊंगा। मुझे उस बात का बहुत बुरा लगा मगर उसी बात ने मुझे प्रेरित भी किया और नुकसान होने के बावजूद हार नहीं मानकर बहुत मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ। जब कुछ करने का दृढ़ निश्चय होता है तो कुछ भी कर पाओगे बेटा। बहुत लोग तुमसे कहेंगे कि नहीं हो पाएगा पर उन बातों का बुरा ना मानकर उनको दिखाने की कोशिश करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। मगर बहुत लोग इस बात को नहीं समझते हैं। वो लोगों के कहा का बुरा मानते हैं और निरुत्साहित हो जाते हैं और काम करना भी रोक देते हैं। और ऐसे दुकानदार नवनीत का अभिनंदन करता है। नवनीत के सोच के अनुसार व्यापार के अच्छा चलने पर अपने माँ बाप का बहुत अच्छा ख्याल रखता है। तो इस कहानी का नैतिक क्या है बच्चों? दूसरों के कहे बातों का बुरा ना मानकर अगर दृढ़ निश्चय से फैसला लेकर मेहनत करोगे तो हर हाल में सफलता मिलेगी।